और बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद शेख हसीना ने वहां के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना से वहां के कट्टरपंथी नाराज चल रहे थे, इसकी वजह से उनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और फिर छात्र आंदोलन के रूप में उस साजिश को आगे बढ़ाया गया। पहले तो शेख हसीना ने छात्र आंदोलन पर भी सख्त रवैया अपनाया और आंदोलन में शामिल लोगों को आतंकवादी तक कह डाला और नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश में चल रहा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में आरक्षण की कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। 1972 से जारी इस आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इन दोनों फैसलों का बांग्लादेश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन बांग्लादेश में भूचाल 2 महीने पहले आया, जब जून में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गैर कानूनी बताया। इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। इक्कीस जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी तेज हो गया, क्योंकि बात अब आरक्षण खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी। छात्र संगठन और शेख हसीना सरकार आमने सामने थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकी करार दे दिया, तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकार ने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए 30% आरक्षण व्यवस्था को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची। इसके बाद से ही छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा।